من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. जी, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन टू वापसा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है कि हम काफ़ी अरसे से जो वापसा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है, इसको हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। और इसका बेसिक थीम अगेन मैं रिपीट करने जाऊंगा कि जिन लोगों ने आज में पहली दफ़ा ज्वाइन किया या जो सुनेंगे, इसका मेन पर्पज़ ये कोचिंग एंड नर्सरिंग द यंग टैलेंट। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट स्पीकर हमने पूल किए हुए हैं और उसका एक जो है वो मंथली कैलेंडर हमने बिल्ड किया हुआ है, जो कि मुख्तलिफ इमर्जिंग पोल्ट्री टॉपिक्स हैं जिसके अंदर डिजीज है, न्यूट्रिशन है, उसके ऊपर जो आपका हेल्थ है, न्यूट्रिशन है और बाकी पैरामीटर्स हैं, जो कि कंज्यूमर एजुकेशन भी है और प्लस आपके जो 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 प्रिसेप्शन हैं आपके एंड कंज्यूमर पे, उसको भी उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। मेन पर्पस क्या है कि हम चीज़ों को शेयर करें, उनको आसान करें, उनको सलीस तरीके से लोगों को समझाएं कि बेसिकली पोल्ट्री इंडस्ट्री है क्या और उसके अंदर क्या चल रहा है। सो दिस हैज बीन अ सीरीज ऑफ लेक्चर सीरीज वी हैव बीन कंडक्टेड एंड इट इज प्लान फॉर 2021 टिल नाउ वी हैव ऑल द कैलेंडर फिल्ड विद डिफरेंट स्पीकर्स। सो टुडे वी आर ब्लेस्ड टू हैव डॉक्टर एम बर्गियो। She is assistant professor and office in charge and chairperson of the poultry production department under the Shahid Benazir Bhutto University of Veterinary and Animal Sciences, Sakran. So we are glad and thankful for your time, ma'am. Today she is going to tell us that kitchen waste has a potential to support backyard poultry production. तो तमाम सुनने और देखने वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम लोग ये जानते हैं कि रोज़मर्रा जो हमारे जो घर के अंदर जो फूड वेस्ट होता है उसके उसके साथ हम एक कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं और एटलीस्ट अपनी बैकवर्ड पोल्ट्री जो उसकी प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अगर आप देखें तो ग्लोबली जो हम टोटल फूड जो हमारा कंज्यूम होता है ग्लोबल पॉपुलेशन की बेस पे, उसका जो एक बड़ा पोर्शन है वो वेस्टेज की सूरत में जाया होता है। तो जब हम जो ग्लोबल क्लाइमेटाइजेशन की बात करते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा इस चीज पे भी आता है कि जहाँ पे हम जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन फॉर्म रेजिंग है उसके साथ एक डायरेक्टली लिंक है कार्बन इमिशन का। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने इस चीज़ को भी लोगों को बताना है कि इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट तो है लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का भी इम्पैक्ट है जो हम वेस्टेज ऑफ फूड करते हैं, अगर हम उसको रिड्यूस कर लें तो जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो कार्बन एमिशन है इनका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो सकता है। और आई एम श्योर डॉक्टर इरम बगियो जो हैं वो वाइस प्रेजिडेंट भी हैं वोमन विंग साउथ की और आज शी इज गोइंग टू शेयर विद अस द किचन वेस्ट हैज अ पोटेंशियल टू सपोर्ट बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन के ऊपर। तो नाउ आई हैंड ओवर द स्क्रीन टू डॉक्टर हिरम। जी मैम, आप मुझे सुन सक रही हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर जुदून, यू गिव मी द चांस टू प्रेजेंट ओवर हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट किचन वेस्ट हैज पोटेंशियल टू सपोर्ट बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन। नेक्स्ट प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई would like to talk on introduction, importance of kitchen waste, usage of kitchen waste in poultry, and in the last I will be end with the suggestion and recommendations. Before starting the introduction, let me tell you the something that it has been going on from the many decades. The peoples are in rural areas raising the birds in their homes and they are using the kitchen waste in their homes, but they don't have the knowledge of their importance. And one more thing is very important,
That is, the demand of the organic meat and eggs are increasing day by day, and feeding prices are continuously increasing. And especially for the backyard poultry, the use of the kitchen waste is among the most economical one. Now the brief introduction is concerned about the backyard poultry and the use of the kitchen waste. Backyard poultry is the important subsector of the poultry industry, and backyard poultry can be defined as the birds which are reared on a small scale by household. Usually a few birds are kept primarily for family use. Backyard poultry can be a local poultry, or we can say an indigenous poultry also. And it is a valuable asset to the local population, as they contribute significantly to the food security in terms of meat and egg. While the kitchen waste is a leftover organic matter from the restaurants, hotel, and household kitchens. These are the estimated figures for the rural poultry. This time in Pakistan, the rural poultry figures are for 2020 to 21. Total rural poultry is 91.22 million in numbers. Total cocks are 12.85 million in numbers. Total hens are 44.72 million in numbers. Total chickens are 33.65, and eggs, which are producing 4,472, and meat every year. This year is producing 127.22 metric tons. Four types of different rations we can use for the backyard poultry feeding. Number one, the commercial ration, home mix rations, pasture-based rations, feed from the food wastage. Commercial ration can be used on the commercial scale, and it is not cost effective. It is balanced palleted ration. Mostly diet contains a corn for the energy, soybean meal for the protein, and vitamins and mineral supplements. It contains the antibiotic and growth promoters. It contains the decoxidiostates and sometimes the mold inhibitors. And it contains also the feed additives. Home mixed ration we used on the commercial scale. Natural ingredients we mostly use in it, and it is not cost effective. Whole grains, energy concentrates such as the corn, oats, wheat, barley, sorghum, and milling byproducts, protein concentrates, including soybean meal and other oil seeds meals are used in this ration, and grain, legumes, beans, field peas, and alfalfa are used. Vitamins, minerals, and probiotics can also be used in the home-based rations. Pasture-based rations are those in which mostly the birds raised on the pastures, forages, legumes, insect worms, and seeds, alfalfa, grasses, and it is a highly reducing cost-effective feed. And feed from the food wastage, it is available free of cost, it is cost-reducing, highly effective, and leftover organic food. It includes the kitchen waste, meat scraps, vegetable wastage, and food wastage. According to the survey, 50% of the food goes to waste in developing countries, and it is about 30 million tons of kitchen waste. Every year it is produced in China, and it is 40% in Pakistan, and every year it is producing 36 million tons. This is the FAO, according to the FAO, study, the chemical composition of the kitchen waste, it consists of the carbon, 46.11%, hydrogen, 6.89%, oxygen, 37.80%, nitrogen, 3.19%, sulfur, 0.29%, chlorine, 0.21%, and it also consists of the dry matter, 31.6%, organic matter, 92.1%, ash is 7.9%, root protein 17.5%, ether extract 20.1%, root fiber 3.6%, nitrogen free extract 50.9%, and gross energy value is 87.8%, and total digestible energy is 23.9%. Um,
In developing countries, including the Pakistan, the use of the kitchen waste mostly used in the animals, poultry, aquatic feed, production of biogas for energy, used as a fertilizer for agriculture purposes. Here are the some economical benefits of the kitchen waste. It enhances the animal appetite and feed digestion and absorption, and accelerate growth of animal and decreased feed conversion ratio. It stimulates the immune system and enhances immunity as well. It also decreases the bacteria in animal excreta and improves the breeding environment. It adjusts also the microbial flora balance in intestine and in stomach. It accelerates the beneficial bacteria reproduction and decreases the bacterial diarrhea. It is insensitive to antibiotic, producing no tolerance after feeding it to animals, and has no side effect in long-term application. It can replace a long proportion of fish meal under the nutritionist's instructions. Lower disposable costs, reducing over-purchasing and labor cost. Here are the some environmental benefits. It reduces the methane from the landfills, reduces the resource use associated with food productions, create a valuable soil amendment. It improves the sanitation, public safety, and health. Here are the some usages of the kitchen waste in poultry. It is economically benefited. It reduces the overall feed cost of the poultry, along with those grains used in poultry feed, full of nutrition and proteinaceous. And kitchen waste scraps may also help to raise the poultry, rural poultry, for egg and meat purposes. Kitchen waste could be used up to 10% in poultry, especially in broiler feeding, without any adverse effect, less economical. There is high nutritional content of kitchen waste, such as food, protein, and high energy value. It affects on their production, reproduction, and carcass meat value. Kitchen waste could be used as a dried kitchen waste in the feeding of the broiler chicken. And the amount of the kitchen waste producing per day, 300 to 600 gram, while it is below than recommended for the commercial poultry. Dried leftover cafeteria food may be used up to 60% in poultry feed without any negative effect on their reproductive performance and egg quality traits. Here are the some nutritional importance of the kitchen waste in poultry. Food waste mainly consists of the carbohydrates, protein, and traces of inorganic compounds. The composition varies in accordance with the type of food waste and its constituents. Food waste consists of rice and vegetables in abundant in carbohydrates, while food waste consists of the meat scraps and eggs, has high quantity of protein and lipids. Kitchen waste is a cheaper source of the nutrients and high nutritive value and digestibility. That's the reason to go for kitchen waste usage in poultry. Okay, keeping in view all these things, I conducted the research trial at UVAS in Department of Poultry Production. I would like to share one of my own experience on the usage of the kitchen waste in indigenous birds. I collected the kitchen waste from the different areas of the Patuki, and here is the average proximate analysis of kitchen waste, where I calculated the dry matter percentage, which was 35.6%, moisture percentage was 42.86%, crude protein percentage was 16.5%, ether extract percentage was 18.03%, and ash percent was 6.01%. I conducted the research on the naked neck breed, and the experimental place was at UVAS ICGRC Center, Patuki. And I divided them in all the groups, different groups, and I offered to feed them kitchen waste in different ratio of 100% with 75% feed, and 50% and 25% kitchen waste, and 0% kitchen waste. Here are the some results observation from my experiment. And you can see here the
highest male Latinx body weight, which I recorded at the age of the 18 week peak with 1400 grams of weight, with 25% of the kitchen based feeding in the all the groups. The female naked neck body weight was highest with in all groups, including the commercial feeding with 25% kitchen waste and 50%, 75% and 100% kitchen waste. The average weight was 1200. The average egg weight, which was highest recorded at the age of the 45 week with 50% kitchen waste feeding. The highest egg production was recorded at the age of the 50 week with commercial feed, and followed by the 25% kitchen waste and 75% kitchen waste. Highest hatchability was recorded at the age of the 50 week with 75% kitchen waste feeding. I suggest keeping in view the comfort and welfare of the birds, an alternative system of feeding and feeding like free range and kitchen waste are recommended for the small poultry farmers having free range area with waste. The marginal poultry farmers, especially housewives, can fully capitalize the market share through free-range meat and eggs production with high returns from elite class and livelihood for their household with nominal feed cost. Further research work is needed for improving growth and productive potential for our local chicken strains. I suggest the birds feeding with 50% kitchen waste may enhance the growth, morphometrics, physiological traits, behavioral response, and improve the egg production. Whereas the feeding kitchen waste up to the 75% may enhance the carcass traits, the nutritional composition of meat, egg quality, sensory attributes of meat and egg, and hatching traits and fatty acid profile. Thank you very much. And Eid Mubarak to everyone in advance. वेरी मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया. आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस करा. आई एम श्योर देर वुड बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन कुछ मेरी अपनी क्यूरियोसिटीज हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न एंड वी वॉन्ट कि बाकी लोगों से भी शेयर हो. जब हम किचन वेस्ट की बात करते हैं तो इन स्पेसिफिक अगर फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल हम घर की बात करें तो उसको कितनी परसेंटेज ऑफ जो बॉडी वेट फीडिंग है वो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो अपनी मुर्गियां डिटरमिन कर सके. तो उसके ऊपर कोई इक्वेशन पे कोई काम किया आपने? मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है उसके अंदर मैंने 50% के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं. अगर आप कमर्शियल फीड भी यूज कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप जो किचन वेस्ट भी अगर देंगे तो आपको काफी अच्छी एग प्रोडक्शन भी मिलेगी, अच्छा वेट भी गेन करेंगे. वो कितना ग्राम फीड कर रहे हैं अगर सिर्फ मैं किचन वेस्ट के ऊपर अगर कर रहा हूँ, और अगर मैंने घर में उस किचन वेस्ट की बेस पे कितनी मुर्गियां रख सकता हूँ, क्या उस तरह की कोई कैलकुलेशन हमने की है? हाँ, ये है कि आप जो किचन वेस्ट वो तो आपको पता है कि वो ज़्यादा अमाउंट में खर्च होगा, वो ज़्यादा अमाउंट में मुर्गियों को देना पड़ेगा. उसके लिए आप इसकी बाकायदा एक कैलकुलेशन है जो हमने भी अपने एक्सपेरिमेंटल शर्ट के ऊपर की थी वहाँ. और इसके लिए जो है वो ग्राम्स में, अगर सपोज आपकी कमर्शियल फीड जितनी ग्राम्स में वो खा रहा है, सपोज वो 100 ग्राम खा रहा है या सपोज 50 ग्राम खा रहा है, तो वहाँ हम उसको डबल फीड जो है वो उसकी किचन वेस्ट की उन ग्राम्स में हम उसको प्रोवाइड करेंगे. आप अगर उसको फ्रेश फॉर्म में देना चाहते हैं फ्रेश फॉर्म में दें, लेकिन उसकी एक बाकायदा कैलकुलेशन उसके तहत आप उसको देंगे. जी थैंक्स मैम. एनीवन एल्स हु जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर इरम, यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज आई गेस वन वी हैव वन हैंड डॉक्टर मोहम्मद सईद, सो प्लीज उबैद यू आर रिक्वेस्टेड के अनम्यूट करें इनका माइक.
Assalamu alaikum ji. First of all, thank you very much. It's a very interesting topic that she discussed on that. I actually designed one project for the Pakistan Science Foundation, but there was very big confusion. कि अगर हम वेस्ट किचन वेस्ट की बात करते हैं हमें वी हैव टू मेंशन दैट किचन वेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेफ्ट ओवर हैं अगर हम किसी बड़े होटल की बात करें रेस्टोरेंट की बात करें तो वो अलग नहीं रख रहे होते सारा वो एक ही जगह डंप कर रहे होते हैं तो हम कैसे उनको सेपरेट करेंगे कि ये है और इसका जो है अगर हम एक कमर्शियल पाकिस्तान मतलब हम लॉन्च करना चाहते हैं कि पीपल गो टू फॉलो दिस ट्रेंड मगर अगर हम उसको घर की जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा है कि अगर आपने 10 मुर्गियां रखनी है घर में 2 किलो किचन वेस्ट पड़ा है तो कैसे हम उसको कंटिन्यू जो है सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम किसी बिग रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो वो तो सारा डंप कर देते हैं एक ही जगह उसमें कचरा भी है चावल भी है और शोरबा भी है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दैम एंड अप्रोक्सीमेट इंडिविजुअल इन्ग्रीडियंट तो इसलिए इसको मेरे ख्याल कमर्शियल करना इज वेरी डिफिकल्ट है जब तक हमारे इस कंट्री में जो भी लेफ्ट ओवर है बड़े होटल उनको अलग अलग ना रखें तो वो अलग रखते ही नहीं है सारा मिक्स कर देते हैं और उनके बाद आपको पता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है 2-3 दिन के बाद उसकी स्मेल आती है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड द बर्ड इसका कैसे सोल्यूशन है मैडम काइंडली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है इसका सोल्यूशन सबसे पहले तो ये है कि मैंने जो अपना ट्रायल किया उसके अंदर मैंने फ्रेश फॉर्म में जो है वो जितना भी जो हमारे पास फूड वेस्ट ये जाता था वो फ्रेश फॉर्म में मैं जो थी वो कलेक्ट करवाती थी वहाँ उसमें क्या था मैडम फ्रेश मतलब वेस्ट में क्या चीज़ यानी उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें थी ना आप देखें फूड वेस्टेज में तो हमारे पास वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं लेफ्ट ओवर में और मीट स्क्रैप्स आ जाते हैं तो आपने उसको पहले ग्राइंड किया था किसी इंडस्ट्री में जाके किसी मिल में ग्राइंड किया नहीं नहीं ग्राइंड नहीं तो फिर किया हम जब चीज ग्राइंड ही नहीं होती है तो हम किस तरह एक उसमें पालक भी है गाजर भी है चावल भी है अप्रोक्सीमेट कैसे डिटरमाइन किया गया उसके अप्रोक्सीमेट के लिए पहले हमने जो था वो वीकली बेसिस के ऊपर उसको इकट्ठा करके ना तो उसको जो है वो पहले जो है वो उसका अप्रोक्सीमेट चेक किया है फिर उसके बाद दिया है जी और वो अप्रोक्सीमेट जो एवरेज अप्रोक्सीमेट आया था क्योंकि डिफरेंट होता है क्योंकि वो वेरी करता है आपको पता है कि ये हर सोर्सेज इसके डिफरेंट हैं तो कभी क्या चीज जी जी डिफरेंट जी हाँ जी तो ये जो है वो वेरी करता है कंपोजिशन इसकी वेरी करती है और उसके लिए हमें इसको अगर हम देखें ना एक होटल है उसके ऊपर डेली जो चीज़ें बन रही हैं आपको वो एक नॉलेज में होती है बात कि इसके ऊपर ये डेली यही चीज़ें बन रही हैं वो आप कलेक्ट कर लें इसके अलावा जो है उसका जब अप्रोक्सीमेट करने जाएंगे तो वो वेरी कर कभी वो 20% पे आता है कभी वो 19 पे सी पी होती है उसकी कभी ज़्यादा होती है ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन एक एवरेज जो है वो हम उसको लेकर और फिर उससे आगे ट्राई या आप जो भी करना चाहें वो बट दे नेवर केयर कि वो जो लेफ्ट ओवर हमारे ब्रेड के हैं या जो रोटी हैं वो अलग रख रहे हैं आप देखा उसमें सारा वो शोरबा में सब मिक्स कर रहे होते हैं तो वहाँ बड़ा मुश्किल है उसको अप्रोक्सीमेट करना और उसकी जो है चलो आई विल कांटेक्ट यू इंडिविजुअली मेरा कोई प्रोजेक्ट है इस पे मगर वो हमें कॉम्पिटेंट मैं यहाँ पे चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में एज ए एचयू जी 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 मैम कि आप डिफरेंट स्टडीज आप इसकी देखें लिखा था कि हमने पालक और कोई और था दो उन्होंने वेजिटेबल थी तो बाहर मेंशन किया हुआ किचन वेस्ट ब्रैकेट में था कि पालक थी और एक और मेंशन किया हुआ था दैट वाज कंफ्यूजन कि हम उसको ब्रॉड टर्म में किचन वेस्ट नहीं फिर हम कह सकते किचन वेस्ट इज अ ब्रॉड टर्म वो तो वेजिटेबल वेस्टेज है वो वेजिटेबल वेस्टेज हुआ तो उसमें और, हाँ जी हाँ जी मैडम आप डिफरेंट स्टडीज लेंगे ना तो उसके अंदर जो आप कमर्शियल लेवल के ऊपर कह रहे हैं तो उसके अंदर ड्राइड करके ड्राइड फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं आप इसकी काफी जब स्टडी करेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा जब रिसर्च इसकी है रिव्यूज मैं आप चाहे मैं आपके सजेशन चाहूंगा कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है आई कांट सबमिट उसमें कंफ्यूजन ये है कि जो लेफ्ट ओवर रेस्ट ओवर या किसी रेस्टोरेंट में कैसे सेपरेट करेंगे तो किसी ने कमेंट दिया रिव्यूअर ने कि उसमें तो सारा कुछ मिक्स हुआ पड़ा है हाउ यू विल इंडिविजुअली सेपरेट देम एंड अप्रोक्सीमेट देम तो इसलिए मेरे ख्याल इसकी कांट क्यों तो कमर्शियल ये जस्ट ये मतलब कमर्शियल नहीं हो सकता मेरे ख्याल इट्स वेरी डिफिकल्ट इन पाकिस्तान बिकॉज़ दे नॉट फॉलो द रूल रेगुलेशन
कि लेफ्ट ओवर ब्रेड पेपर के फिर आपने एक डब्बे में रखने ग्राइंडिंग, हैं। इसकी जी जी बिल्कुल मैडम, प्रिपरेशन होगी, इसकी बिल्कुल कैलकुलेशन होगी, और इसको फिर जी करके मैडम, फिर जो है अच्छा इसकी बाकायदा फीड फॉर्मुलेशन इस तरह से होती है, अच्छा अच्छा उसमें चलो जो मैं है बाकायदा आपसे उसको डिस्कस करूंगा। एक अगर आपका प्रोसेस इस से चीज गुजरना में, पड़ेगा। अगर आप, जी। अगर आपका इसमें रिसर्च या आपकी डायरेक्शन एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस पे है, मैं डॉक्टर सईद यहाँ पे चोलिस्तान वेटरनरी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एज ए चेयरमैन भी हूँ, और डिपार्टमेंट पोल्ट्री साइंस में ना। जी जी तो बिल्कुल आई आई विल कंटेक्ट यू इंडिविजुअली टू डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल ना। आई विल, इफ यू आर इंटरेस्टेड, दिस इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आई विल कोलेबोरेट विद यू इफ यू हैव एक्सपर्टीज ऑन इट। ओके। थैंक तो एनीवे, थैंक यू जी। श्योर श्योर ओके, डॉक्टर सर श्योर। थैंक यू, थैंक यू। आई गेस इसमें एक सिंपल सजेशन है कि अभी आप देखें कि हम लोगों ने जैसे जो नॉर्मल वेस्ट कलेक्शन है उसके भी थ्री पोर्शंस बना दिए हैं, कि आपका जो पेपर कलेक्शंस है वो सेपरेट है, तो प्रोबेबली वी कैन क्रिएट अ बिन एंड वी कैन सजेस्ट कि जो होटल्स हैं हम उनको कह सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज अ सजेशन, बट प्रैक्टिकली इसको करने में टाइम लगेगा, बट आई गेस आई एग्री विद डॉक्टर सईद साहब कि सेग्रीगेशन इज अ चैलेंज, फिर कलेक्शन चैलेंज है, फिर ऑफ कोर्स इसको एज ए इंग्रेडिएंट यूज करना अगर आप किचन वेस्ट को, और फिर उसको आपने प्रोसेस करना तभी जाके आप उसको एज अ इंग्रेडिएंट फीड फॉर्मुलेशन में ले सकते हैं। हसीब साहब ने हाथ खड़ा किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हसीब साहब का माइक अनम्यूट किया जाए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरम, आपका काफ़ी डाइवर्सिफाइड और काफ़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर था, और डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब ने काफ़ी सवाल पूछ लिए जिसके ऑटोमेटिकली उसमें मेरे सवालों में उनके जवाब मिल गए। तो एक दो चीज़ें थी कि जो आपने इसमें वेस्ट आप कह रही थी कलेक्ट किया, तो उसमें आपकी उसकी फीडिंग में और कलेक्शन के दरमियान में कितना गैप था, यानी फूड फौरी तौर पर रॉट होना जेन में लेके आते हैं, तो उस पर आपकी विंडो कितनी थी कंजम्पशन से कलेक्शन से कंजम्पशन के दरमियान? जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरी कलेक्शन होती थी वो मॉर्निंग टाइम पे होती थी, तकरीबन कोई 5 बजे ठीक है, या 4:45 बजे के दरमियान, और फीडिंग टाइम भी कुछ इस तरह का था कि सवेरे ही था। और जो रात जो आप कह रहे हैं कि ये किस फॉर्म में अवेलेबल था, तो वो एज सच फॉर्म जो फ्रेश फॉर्म होती है उसके अंदर अवेलेबल होता था। हमें और मैंने आखिरी रात में सवाल आप मेरा देखते एक, हैं कि होटल्स के ऊपर कुकिंग होती है, मेसेस के अंदर कुकिंग होती है, हाँ तो जी, उनका जो वेस्ट बचता था वो तकरीबन कोई 12 बजे या 11 बजे या इतने बजे, वो लोग होटल्स भी आपको पता है पूरी रात खुले रहते हैं, तो ये कोई 2:30 बजे या 3 बजे तक का कोई वेस्टेज होता था, जो फिर मैं उनको कलेक्ट करवाती थी कोई 4:45 बजे सुबह के ठीक टाइम। हो गया। जी जी फ्रेश फॉर्म में, मैंने फ्रेश फॉर्म में। एक और मेरा क्वेश्चन था प्लीज, कि फॉर्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को हम ऐसा ब्रॉयलर रोशन जब कर रहे होते हैं बैच, तो उसमें जी ना इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका, गट हेल्थ की इंटीग्रिटी के लिए, वरना उसके लूज ड्रॉपिंग का बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता है। लूज ड्रॉपिंग का मतलब ये है कि जी जी मैं समझ परफॉर्मेंस, रही हूँ। तो उसमें आपका कोई इसके ऊपर कोई ऐसा इश्यू तो आपको नहीं आया फीसिस का, या ऐसा कोई गट हेल्थ के ऊपर कोई नहीं ज्यादा ऐसा नेगेटिव मुझे, इम्पैक्ट? ये नहीं नहीं ऐसा कोई भी मेरे साथ कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आया है। जी चले ठीक है, जी जी थैंक यू ऐसा डॉक्टर कोई एरम। इश्यू नहीं आया है, बल्कि आप इसकी इसमें जो है वो डिजीज रेशियो भी काफ़ी जो है वो ना होने के बराबर, जो वैसे नॉर्मली कोई अगर सीजनली कोई वहाँ पर आया हुआ हो आउटब्रेक तो वो दूसरी बात है, अदरवाइज कोई इसके ऊपर डिजीज भी इसके ऊपर कोई ऐसी नहीं है, कोई इन्फेक्शियस इस तरह की कोई कह दें कि कोई इन्फेक्शन आ गया हो इसकी वजह से, वो भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं था। ओके, थैंक यू थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, फिर मैं रजा शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना सवाल पूछें, कि आपके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये सस्टेनेबल या स्केलेबल प्रोजेक्ट है? सस्टेनेबल तो आप इसको अगर कमर्शियल लेवल के ऊपर करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े लेवल के ऊपर, मैं ये कहूँगी कि फिर आपको उतना ही जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे, जो होटल्स वाले हैं स्पेशली जो
आपके इलाके में जितने भी वेस्टेज जहाँ जहाँ होती है फूड वेस्टेज उसके कलेक्शन सेंटर्स से फिर आपको रब्ता करना पड़ेगा, और इस तरह से बड़े लेवल के ऊपर फिर इसके लिए है, फिर आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ये सिस्टम है। तो मैं आई रिक्वेस्ट रजा शाह साहब कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और प्लीज क्वेश्चन पूछें अपना। रिस्पेक्टेबल मैम अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है मैम कि जैसे कि हम देखते हैं जो रेयर बेस कर, हम जो विलेज बेस पे रेयर करते हैं मुर्गियां या बर्ड्स, तो उनके जो वो सारा दिन घास ग्रासेस वगैरह या वेजिटेबल्स खाती रहती हैं, तो उनके मीट में जो एजेंटोफिल की वजह से चेंजेस होती हैं। ऐसे ही हम देखें जो हम शेड्स में पालते हैं मुर्गियां, तो उनका मीट में भी अलग होता है फीड की वजह से। क्या हम ये फीड देंगे इसका भी कोई इफेक्ट होगा मीट पे? बिल्कुल, इसकी जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है उसके ऊपर थोड़ा बहुत फ़र्क आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा डेवलप होगा इसके खाने से, और इसके अलावा इसकी जो कहना चाहिए फैटी एसिड प्रोफाइल है उसके ऊपर चेंज हो सकता है, काफ़ी फ़र्क आ सकता है। Okay, so anyone else have a question, please? I guess Zara ne question dala hai ki we can follow Amul and other Indian cooperative dairy organic waste composition program. Zara, is pe agar aap thoda sa roshni dalein please, apna mic unmute kar le. I think I was offline. Okay, acha ji. Okay, who else we should pick now? Because still we have time and we don't let ma'am Iram to go. Hum ek ghanta pura karna hai ji. Ifat, Ifat ka sawal hai ji. Ifat, apna mic unmute kare please. Assalamu alaikum. जी मैम, मेरा इरम आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप किचन वेस्ट की बात कर रही हैं, डेली बेसिस पे अगर हम घर में बात करें, हमारा जो वेस्टेज होता है उसमें मोस्टली ब्रेड होती है, राइस होते हैं, या कुछ थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स हैं उनके कुछ पील्स ऑफ और कुछ उनके सीड्स वगैरह, तो इससे जब हम ये वाला वेस्ट ये इनको फीड करवाते हैं अपने हाँ जी चिकन्स को, तो इनकी ये ऐसा नहीं होगा कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज डेली 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 एक ही होगी, और हम अगर स्पेसिफिक कोई दूसरा फीड नहीं दे रहे तो उनकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट होता है, जैसे ब्रेड है राइस है तो ये डेली? एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप इसकी ग्रोथ के ऊपर बड़ा इफेक्ट है, इसकी डिफरेंट परसेंटेजेस मैंने आपके साथ अभी शेयर करी थी, मेरे पास एक मैंने ग्रोथ का पूरा ग्रोथ परफॉर्मेंस का जो था मेल और फीमेल का आपके साथ शेयर की, उसके अंदर ग्रोथ रेट बिल्कुल वाजे तौर पर दिखाया जा सकता है कि 25% किचन वेस्ट जो मैंने अप्लाई किया था बर्ड्स के अंदर उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स थे विथ कमर्शियल फीड, यानी कमर्शियल फीड के साथ मैंने इसको दिया था। अगर हम जैसे जैसे उसकी परसेंटेज को बढ़ते हैं तो ग्रोथ के ऊपर वो ग्रोथ रेट जो है वो वैसे वैसे डिफरेंट होता है। अगर वो 1400 ग्राम कमर्शियल 25% पे आ रहा है तो थोड़ा सा उसे कम कर लें परसेंट पे आएगा, और अगर आप कमर्शियल की बात करें तो एक आपको पता है कि फुली फॉर्मुलेटेड है, और ये जो है वो फुली फॉर्मुलेटेड फीड तो नहीं है, लेकिन हम इसको अगर रिड्यूस करना चाहते हैं फीड कॉस्ट स्पेशली कि हमें फीड कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करके हम इसको इसके साथ दे दें, तो हम काफ़ी कह सकते हैं कि ये खास करके बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, जो घर में लोग अपने बर्ड्स वगैरह रखते हैं उनके लिए अच्छा है कि उनकी एक तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी इसके ज़रिए, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ उनका वेस्टेज जो है वो भी यानी काम में आ सकता है इसके। ठीक इरम, जो एक जो इफ़त ने सवाल पूछा उसमें एक लॉजिकल सेंस ये है कि ऑफ कोर्स हमारे पास हम इसमें न्यूट्रिशन या प्रोटीन कांस्टेंट नहीं रख सकते या बाकी पैरामीटर का जो न्यूट्रिशन के वो कांस्टेंट नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास किचन वेस्ट में डेली बेसिस पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं,
और जैसे कि आपने भी बताया कि आपका 25% इंक्लूजन पे रिजल्ट बेहतर आया क्योंकि 75% आपका कमर्शियल फील्ड था, विच मीन्स के न्यूट्रिशन कंपैरेटिवली कांस्टेंट थी वहां पे। तो आपने क्या अगर इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा कि अगर फॉर एग्जांपल हम 25% ऑफ करते हैं तो जो आगे हमारी जो परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी है वर्सेस 100% फीड के कंपैरिजन में आपने देखा? बिल्कुल, मैंने ये नोट किया था और इसके जो था कि प्राइस जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकल हमें जो है वो पड़ी भी थी। आपने मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था दूसरे एग वेट, आप देख लें एक वेट जो है वो तकरीबन 50% के ऊपर हमारा बहुत ज़बरदस्त यानी आया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स जिसके अंदर कमर्शियल भी है और 25% फीडिंग भी है, 75% भी है, लेकिन उसके साथ जो है वो ये इकोनॉमिकल पड़ा हमें। इकोनॉमिकल किस तरह के 50% हमारा रिड्यूस कॉस्ट हुई कमर्शियल फीड की और ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। तो आप ये समझ लें कि हाफ जो है वो हमारी फीडिंग की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हमने की, परफॉर्मेंस सेम थी। परफॉर्मेंस सेम थी, परफॉर्मेंस सेम आप कह सम हाउ जो है वो थोड़ा बहुत फर्क आपको इसमें नजर आएगा। अगर उसकी 58% है तो इसकी 54% है, इस तरीके से। Okay, still like 4-5% of difference. Okay. Anyhow, so we have a Dr. Mohammad Awais hamare saath hai. So Awais, you can unmute your mic and you can ask the question, please. Thank you so much, sir. Very interesting topic discussion कर रहे हैं हम लोग। इसमें एक क्वेश्चन जो मेरा था वो ये था कि इस प्रोडक्शन मॉडल को अगर हम डिस्कस करें कि इसके अंदर जो हमने बर्ड्स ईयर किया उनका डेज कितने डेज हमने उनको कैप किया है और कितने दिन के लिए हम उनको फीड किया है, फीड करने के बाद उनको हम मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमारी रेडी हो गई। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने किन ब्रीड्स के ऊपर काम किया, लाइक इसमें हमारे पास देसी ब्रीड्स हैं उसके अंदर भी 2-3 वराइटीज हैं और किन ब्रीड्स के अंदर जब हम बैकयार्ड की बात करते हैं तो वो ज्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी आ सकती है क्योंकि हम ब्रॉयलर को चूज करें, देसी को चूज करें, देसी में कौन से ब्रीड्स पे जाएं। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर मोहम्मद अवेज। एक तो पहले मैं आपको इस बात का जवाब देती चलूँ कि आपने पूछा कि ये कितने डेज तक यानी हमने इसकी फीडिंग चलाई, तो ये मेरा ट्रायल जो था वो पूरा 1 ईयर जो है वो युवास के अंदर जो ICGRC सेंटर पे रहा है उसके अंदर मैंने पूरा साल जो है वो इनको किचन बेस्ड फीडिंग कराई है पूरा साल। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आप जिस ब्रीड की बात कर रहे हैं तो अमंग देसी ब्रीड्स के अंदर सबसे अच्छी जो मैंने ब्रीड जो सिलेक्ट की है दैट इज़ नेकेड नेक ब्रीड, और उसकी एक वजह ये थी कि इट हैज़ अ हाई प्रोडक्शन देन अदर इंडिजनस ब्रीड्स और इट कैन टॉलरेट दी लाइक हार्ड हार्श वेदर्स वगैरह को ये टॉलरेट कर सकता है, इसलिए जो है वो मैंने नेकेड नेक जो है वो चूज़ की इसके लिए, सिलेक्शन भी इसकी इसीलिए की, तो इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है और यही बातें थी। मेबी कमर्शियली अवेलेबल है नेकेड नेक जो अगर लोगों को चाहिए और आम बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है अवेलेबल। तो हमारे साथ अजहर सोलंगी हैं। सर आप अपना माइक अनम्यूट करें, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा क्वेश्चन यह था कि किचन वेस्टेज में डेयरी बाय प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं जैसे हो गया। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा क्वेश्चन यह था कि किचन वेस्टेज में भी आ जाती हैं। जी जी आप कह रहे हैं किचन वेस्ट में डेरी डेरी प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं आगे, जैसे चीज योगर्ट हो गया और जैसे मिल्क हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाती है हो जाता है, तो वो क्या हम मुर्गियों को दे सकते हैं, उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट है या नहीं है या बेनिफिशियल है? अभी तक की स्टडीज में तो ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे जो रिसोर्सेज थी जहाँ से मैंने किचन वेस्ट लिया था वहाँ पर ऐसा कोई डेयरी प्रोडक्ट मैंने आज तक देखा नहीं जो कि आप कह रहे हैं कि वो डिस्कार्ड होकर और इसमें मटेरियल में मिक्स होकर आ गया हो, ऐसा कोई मटेरियल मैंने अभी तक देखा नहीं था वहाँ पर, और लेकिन इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरे और ना ही मेरे प्रोजेक्ट में आए हैं। वैसे मैडम हेलो जी जी
मैंने पढ़ा था एक जगह पे कि डेरी बाय प्रोडक्ट वेस्टेज है पोल्ट्री के अंदर, तो इस पे कुछ है आपकी रिसर्च या? हेलो, आर यू लिसनिंग मैम, आई गेस उनकी आवाज़ का सर? इशू, उनकी आवाज़ का इशू आ रहा है, तो वो आपने जवाब दे दिए नहीं, कि वो जी असगर जो बात कर रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेयरी मिलिंग बाय प्रोडक्ट्स, अगर कोई कहीं से, यानी जो कहीं कोई ऐसी वेस्टेज होती हो जहाँ पर हो ही डेयरी का काम ज़्यादा, लेकिन मेरे ख्याल से तो इस तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है वो मैंने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया, ऑब्जर्वेशन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ना इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जी मैंने कहीं पढ़ा था कि जो डेयरी, अगर वेस्टेज के प्रोडक्ट्स अगर यूज किए जाए ना, तो उनका प्रीबायोटिक इफेक्ट है किसी हद तक। और मैडम से मेरा एक सजेशन थी, मैडम आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, अगर आप ना इसका कोई कमर्शियल प्लान छोटा सा शेयर कर देना, तो हम उसको मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम में सर शहजाद के साथ देख के ना इसको कहीं ना कहीं अवेयरनेस में कर दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा मुझे ना। मतलब इस पे पहले जैसे अमूल के पैरेलल ना इंडिया में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें उन्होंने कल्टीवेट की थी क्रॉप, उसके रेजिड्यूज मतलब जो क्रॉप ली उसके कुछ जो उन्होंने भेज दी उसमें प्रोडक्शन में, जैसे मेज वगैरह थी, और लेफ्ट ओवर उन्होंने एनिमल को फीड करवाए, उसके बाद उनका जो डंग था, और उसके अलावा क्रॉप के जो रेजिड्यूज जो उनकी उसमें खाने की जो बर्तन वगैरह वहां पे बच जाते हैं, वो उन्होंने पोल्ट्री को फिर मतलब एक उन्होंने फ्लो ऐसे बनाया था, और वो रनिंग में है वो प्रोजेक्ट ना, अगर आप यूट्यूब करें तो अब आपको मिल जाएगा, वो काफी पॉपुलर है इंडिया में, तो उसका भी मतलब इसको उस चीज से रिलेट कर। और एंड एंड में जो उनके पास आती थी वो पोल्ट्री आती थी, वो पोल्ट्री को फीड करते थे एंड में, तो दे आर अर्निंग वेरी हैंडसम अमाउंट फ्रॉम दैट। आपका ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप इसका कोई कमर्शियल थोड़ा सा इसको ना मतलब छोटा सा प्लान शेयर कर देना, तो वो उसको न्यूज़पेपर में या कहीं मतलब उसके लिए मुझे चाहिए होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ओके, थैंक काइंडली यू इस सो चीज को मच। देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर मैम। सजेशन, बहुत ही अच्छी सजेशन है, इंशाल्लाह इसको इंक्लूड किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट मैम, कोई भी थैंक यू। प्रोजेक्ट हो। थैंक यू सो मच। सो वी हैव मैम फरिया है, डॉक्टर फरिया यहाँ पे हैं। अगर मैम फरिया आप सुन रही हैं मुझे, तो If you want to comment or you want to ask something, please. Okay. So now I think I should still we have some time, so we can pick up two, three more questions. So may I request to Aisha Maqbool? आयशा अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। अच्छा एम, ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स यू सेड कि आपका एक साल का ये ट्रायल था, प्रोबेबली दैट वाज मोर ऑन दी एग साइड। अगर हम इसको जो है मीट प्रोडक्शन वाली साइड पे लेके आए, तो उसके ऊपर कोई काम हुआ है क्या नहीं? अगर किचन वेस्ट पे, अगर हम चिकन मीट वाली साइड पे उस पर प्रोडक्शन पे काम करें, तो उसका भी एवरेज डेली वेट गेन या हमारे पास कोई ऐसा स्टैट या डाटा इसकी मौजूद है? हाँ, ऑफ कोर्स इसके ऊपर काफ़ी डेटा आपको मिल जाएगा और मैं शेयर भी कर सकती हूँ आपके साथ, श्योर। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कुछ पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए, तो ज़्यादा मैं डिस्कस कर नहीं सकती थी, तो इसके ऊपर जो इसकी कार्कस क्वालिटी है, एग क्वालिटी है, इनके ऊपर भी काम है, और फर्दर इसके ऊपर और भी ज़रूरत है काम करने की, तो इनके ऊपर भी अच्छे, अगर हम इसको अच्छी फॉर्म में और भी किचन वेस्ट को किसी और तरीके से लेकर आना चाहें और इंट्रोड्यूस करें कमर्शियल लेवल के ऊपर, तो इसके अच्छे से अच्छे और भी रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट। सो मे आई रिक्वेस्ट टू मैम आयशा रियाज, अगर आप सुन रहे हैं मैम, अगर आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सलाम के मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम इरम। इट्स वेरी नाइस टॉपिक ही चोज एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। आई जस्ट हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, बिकॉज आप तो यूज कर रही थी वो किचन वेस्ट जो आपने होटल्स वगैरह से पिक किया, एंड यू वर केयरफुली
लुकिंग थ्रू इट कि उसमें वो क्लीन हो एवरीथिंग, लेकिन जब घरों में यूज करते हैं सम टाइम इट कैन बी मोल्डी, सम टाइम इट कैन बी रॉटन, एंड सम टाइम्स उसमें इतनी लो क्वालिटी हो सकती है कंटेमिनेशन की जो कि लोग घरों में नहीं चेक कर सकते. बट यू सजेस्ट फॉर देम हाउ दे कैन चेक फॉर द मोल्ड और हाउ दे कैन चेक फॉर बैक्टीरियल बैक्टीरियल कंटेमिनेशन और लाइक दैट. थैंक यू मैम. इसका तो ये है कि घर के अंदर अगर बैक्टीरियल कोई उसमें कंटेमिनेशन हो भी जाती है तो एक तो वो स्मेल आना शुरू हो जाती है, वैसे ही वो उसकी फिजिकल एक्सपीरियंस बता देती है कि ये किसी काबिल नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. वो तो बेहतर नहीं है कि आप उसको फीड करवाएंगी उसके अंदर चिकन्स के लिए. और मैं तो यही एडवाइस भी करूँगी और कि आप जो हैं वो ज़्यादा जो घर के अंदर यूज़ होता है वो फ्रेश फॉर्म में जो है वो आप इसको रखें और फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल है तो फ्रेश फॉर्म में वैसे ही उसको फीड करवाएं. अदरवाइज इसका एक और भी तरीका है कि इसके अंदर अगर और एक स्मेल इसमें से प्रोड्यूस होती है या समटाइम्स रखा हुआ है तो उसमें होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए कोई है कि हम यूज़ करते हैं कोई समटाइम्स लिक एसिड समटाइम्स यू कैन यूज इट और उसका कोई रेशो है जो कि आप इसमें ऊपर जो है उसके बिन्स वगैरह जो हैं उनके अंदर आप लगा दें और इसको जब आप डिस्कार्ड मटेरियल डिस्कार्ड करते हैं तो उससे कुछ स्मेल प्रोड्यूस नहीं हो. यही इसका एक तरीका है. अच्छा इसके अलावा कौन सी ऐसा कौन सा किचन वेस्ट है जिसको आप रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि किचन वेस्ट में तो घरों में बहुत कुछ है, कोई ऐसी चीज जो कि नुकसानदेह हो सकती है या वेस्ट में यानी कि ये कंटामिनेटेड या मोल्डी की बात भी कर रही, कोई ऐसी वेजिटेबल या कुछ ऐसी चीज जो आप रिकमेंड ना कर रहे करें चिकन्स के लिए? इसमें मैम थोड़ा सा मैं शामिल करूं जिसमें एग शेल्स आ जाते हैं, टी बैग्स या कॉफी वगैरह आ जाती हैं इसमें, तो वो भी हम देंगे या नहीं? नहीं नहीं आप ये चीजें नहीं दें, क्योंकि मेरी यहाँ जो किचन वेस्ट मैं लेती थी और होटल से कलेक्ट करती थी, मेसेज से कलेक्ट करती थी और कैफेटेरियाज होते थे हमारी यूनिवर्सिटी में वहाँ से कलेक्ट होता था, तो काफ़ी दफ़ा इस तरह से होता था कि जो रैपर्स खाली रैपर्स वो आ जाते थे और कई दफ़ा ऐसा होता था कि कोई चीज़ें एक्स्ट्रा जो होती थी वो प्लास्टिक की वो भी निकल आती थी, तो वो हम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उसको पहले देने से पहले जो थी वो उसको अलग कर लिया करते थे और फिर उसको फ्रेश कर लिया करते थे. तो ये ज़रूरी है कि आप उसको पहले जो है हेलो रजा आप अपने आप को काइंडली म्यूट कर लें, जब आपने क्वेश्चन पूछना तो अपना हाथ खड़ा कर लें. जी मैम आप कंटिन्यू रखें. एवन म्यूट कीजिएगा अपने आप को. अच्छा एम हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे अभी अपना मैम डॉक्टर फरियत अला मौजूद हैं, मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा मैम आपका भी कमेंट या कोई क्वेश्चन प्लीज. डॉक्टर फरिया मैम मौजूद हैं, आप मुझे आप सुन रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज. एनी हाउ till that she is back we can go to Sumaira Ali. Yes sir. Hello assalam alaikum sir. Ma'am Fariya aap wapas aa gayi? Hello. Ji assalam alaikum. Sumaira aap maujood hain? जी सर मैं मौजूद हूँ. जी जी प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन और कमेंट. मेरा मिससे ये सवाल था कि जैसे जो नेचुरल फीड होती है हमारे पास जो कमर्शियल फीड्स होती हैं तो उनमें टॉक्सिन्स वगैरह भी होते हैं, इसी तरह क्या जो हम किचन वेस्टेज देते हैं क्या उनमें कोई हमें टॉक्सिन्स वगैरह का खदशा नहीं होता लिवर्स वगैरह का,
या जो कमर्शियल या जो कमर्शियल है जो लेयर्स या फीड है जो उस पे जो है मतलब वो इम्यूनिटी बर्ड्स को अच्छी प्रोवाइड करती है, या जो किचन वेस्ट है उससे बर्ड्स की इम्यूनिटी पे क्या असरात होते हैं? सुनहरा, आपका क्वेश्चन जो टॉक्सिन्स के ऊपर है इसके लिहाज से आपकी बात पता चलूँ कि ऑर्गेनिक फीडिंग से जो है एक तो इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी देखने में आई है, और दूसरी बात ये आपने जो ये टॉक्सिन्स की बात की है तो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो समटाइम्स जो होते हैं वो कंटामिनेशन की वजह से इसके होते हैं कारण। तो इसमें ऐसा कोई मैंने आपको बताया भी है कि जो मैंने फीड जो सॉरी जो किचन वेस्ट दिया था वो एक तो फ्रेश फॉर्म में दिया था, और मेरी स्टडीज के ऊपर अभी इतनी ज़्यादा जो है वो इस अभी और भी चीज़ों की ज़रूरत है जो इसके ऊपर स्टडी हो सके, तो वो फर्दर एनालिसिस जो होंगी वो होंगी तो क्या आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। किसी फाइनली लेट्स चेक अगेन विद मैम फरिया। मैम फरिया आप सुन पा रही हैं हमें? ओके डॉक्टर अपना हसीब हसीब साहब, सर आपको भी क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सुमेरा अली ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि टॉक्सिन के हवाले से, मैं इसके ऊपर फीडबैक देना चाहूंगा। होता इस तरह है प्रैक्टिकली तौर पे कि आपके जितनी भी पल्सिस की जो आपको प्राइसेस मार्केट में मिल रही हैं ये बहुत कम है। ये इस वजह से कम है क्योंकि जो बी ग्रेड या जो सेकेंड ग्रेड छांटी का माल होता है वो सारा जो है एनिमल फीड पे जाता है, वरना तो इनकी प्राइसेस ही बहुत ज्यादा हाई हो। आपका पहले सबसे पहले हमारा रफान कस्टमर है या ऐसा फौजी जो है सीरियल्स बनाता है, सबसे पहले क्रीम क्रीम ये लेता है, उसके बाद भी जितना भी आपका होता है सेकेंडरी नंबर के ऊपर जितना भी क्वालिटी का माल होता है वो सारा हम लेते हैं जो फीमेल वाले होते हैं, तो तभी हमें आता है। इसका मतलब है कि आपके जो घर के अंदर जो ग्रेन्स या जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें ऐसा जब हो जाती है, तभी इनसे मैंने पूछा था मिस्टर से कि आपके विंडो क्या थी, इन्होंने कहा था सिमिलर यानी सेम डे ही हमारा इस्तेमाल हो जाता है सारा जो भी हमारा किचन वेस्ट है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको ऐड करना चाहूंगा कि हम रखते हैं कई 6-6 महीने 8-8 महीने स्टोर करनी पड़ जाती है हमें, कभी कभी चार ठीक महीने नॉर्मल साइकिल है, प्लस लेते हम जो है उसको बी ग्रेड है, ताकि इसी वजह से क्योंकि उनका सारा माल ही बिक जाता है ना आगे फसल वालों का, उनका अच्छे वाला चला गया आपका फर्स्ट फूड प्रोडक्ट्स में या जो आपके मेन शेल्फ के ऊपर फूड आइटम्स होते हैं, और जो सेकंड नंबर के ऊपर आपका जितना भी उनका माल हो गया वो हम ले लेते, तभी आपको ये कॉस्ट है, वरना तो आपको ये जो 70-80 रुपए फी किलो कोई चीज मिल रही है या आपको 200 रुपए किलो आपको मिले कोई भी पल्सेज आप चल, ये मेरा इस पर फीडबैक है। हमारी कोशिश होती है 35 ppb से नीचे रहे आपका फिनिश प्रोडक्ट का जो टॉक्सिन लेवल है, टॉक्सिन लेवल एफ्लोटॉक्सिन B1 को हम ज्यादा मॉनिटर करते आई गेस। थैंक यू वेरी मच मैम मीरम, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगेन इसके दो पहलू हैं जिसको हमने देखना है। एक तो ये है कि आपने जो अपनी जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उसके अंदर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी या उधर का जो वेस्टेज है उसको कैसे यूटिलाइज करके एटलीस्ट हाउस की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अपना चिकन या एग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि इसके ऊपर काम फर्दर किया जा सकता है। दूसरा हम इसके कमर्शियल एस्पेक्ट्स को भी देख सकते हैं, और जैसे डॉक्टर सईद साहब ने भी कहा था कि हमने इसकी सेग्रीगेशन या सेपरेशन करवानी है वंस इट इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, तो उस दौरान अगर हम इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर लें और हम जेनेरिकली जो है वो चीज़ों को सेग्रीगेट करके उनको पिक करें और फिर उनको फर्दर प्रोसेस करके इस चिकन वेस्ट को एज ए इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करें, मे बी इट कुड बी एन ऑल्टरनेटिव जो है वो सोर्स बन सकता है और हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर सकता है। और जनरली जो आपके ट्रायल्स ने भी ये शो किया कि अगर हम एक परसेंटेज के हिसाब से अगर इसको यूज़ करते हैं तो वी कैन हैव अ रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी, हम इसमें ले सकते हैं और प्रोडक्शन हमारी मोर और लेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, या उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिच नहीं आता। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक्स डॉक्टर इरम फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, इट वॉज वेरी वर्दी टू लिसन एंड गेट दोज नोबल न्यू आइडियाज, एंड आई एम श्योर वी कैन फर्दर डेलीग्रेट दोज आइडियाज एंड वी कैन पिक अप दी लीड्स, जैसे कि जारा ने भी बताया कि
कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी काम हो रहा है, तो हम फर्दर उसको नेक्स्ट ईयर पे या नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे उसको प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे सईद साहब ने भी एक जनरस ऑफर की के दे कैन वर्क इन द कोलैबोरेशन। सो द बॉटम लाइन हियर इज फॉर द वापसा ऑनलाइन सीरीज इज कि वी नीड टू कनेक्ट पीपल, वी नीड टू कम अप विद द इनोवेटिव आइडियाज, वी नीड टू वर्क इन सिनर्जी so that we can uplift the research work, we can improve the education, and we can move forward with a good organization. Aur main is note ke upar tamam doston ka shukriya ada karunga ki aap logon ne time nikala aur aapne interactive session mein participate kiya, aur aap jahan pe bhi Allah taala aapko khush rakhe, aur aap tamam doston ko aur colleagues ko once again advance Eid Mubarak hamari taraf se bhi, aur inshallah दोबारा नए टॉपिक के साथ और नए इनोवेटिव आइडिया के साथ हाजिर होंगे। और वंस अगेन टिल देन आप जहां पे भी हैं कोविड एसओपीज को फॉलो करें ताकि जो नई सर्ज है इससे अल्लाह ताला हम सब लोगों को महफूज रखे। थैंक यू वेरी मच, और इसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह हम आप लोगों से शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच एरम वंस अगेन।